तो जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग का आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, तो प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी मतलब मैं आपको क्लासेस कराऊं, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊं, उनको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना आपके हाँ ऐसा होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको किसी चीज को बता रहा हूँ और आप जो है मेरी बात पे यकीन कर रहे हो। आप खुद भी देखो कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो जितने हमारे साथ जो है ऐसे भाई जुड़े हैं जो ऑनलाइन क्लास पहली बार कर रहे हैं, तो जरा मैं उनसे जानना चाहूंगा आप सभी की एक्सपेक्टेशन क्या है इस बैच से। अंकुर अग्रवाल जी और सभी भाई जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। सर, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत सारी हैं कि जैसे हमको बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ और सभी भाई भी सुन रहे हैं। सर हर आदमी हर इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते, शॉप बंद करना, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऑनलाइन में भी नॉलेज मिलता है सर, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं नॉलेज नहीं मिलता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है सर। मैंने इससे पहले देखो भी लिया था, बहुत सारा मिला है सर। तो आपका भी पढ़ाने का तरीका बढ़िया था, तो मैंने सोचा सर का भी ले को लेते पूरा हैं, बहुत डिस्कवर ज्यादा करना। नॉलेज मिलेगा। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मतलब जब मतलब देखो मैं ये चीज नहीं कहता, क्योंकि अगर मान लो कोई दस कोई बंदे हैं, अब उनमें कोई हर कोई तो पांचों उंगली एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे भी हैं कि जो ऑनलाइन के नाम पे जस्ट बस टाइम पास कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी मेहनत के साथ जो है पढ़ाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिज्वाइन किया है इस बैच में। वजह यह है क्योंकि देखो मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है डे बाय डे अपडेट होता है आपका। जिस टाइम पे मैंने इन सबको कराया था उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अभी जो फोन आते हैं उसमें टेक्नोलॉजी कुछ और है। तो वो फिलहाल क्यों जुड़े, वो इसलिए तो जुड़े ना वो तरफ अपने आप को अपग्रेड कर सके। और तो कहने का मतलब यही है, देखो ऑनलाइन जब क्लास में जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसकी आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, नहीं तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, आप एंड में जाके यही कहोगे कि सर हम तो कुछ सीखे ही नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई चीज जो है आपके जब क्लास होगी तब तो याद रहेगी, आपको समझ भी जाओगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन अगर उसको एक बार दोबारा से बोर्ड न्यू ओपन करके उस सर्किट को दोबारा से देखोगे नहीं, तो फिर 2 दिन बाद जो है वो आपकी निकल जाएगी माइंड से। तो इसलिए जो है प्रैक्टिकल जो जरूरी है आपका, जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊं तो उसका जो है इसको क्रॉस वेरीफाई करो और वापिस से जो है उसको देखो कि हाँ जो सर ने करा है ऐसा है भी या नहीं है, या मैं अपनी तरफ से ही करा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो थोड़े से मैं क्लास के रूल एंड रेगुलेशन आपको बताना चाहूंगा, और आई होप कि जो है आप इन रूल और रेगुलेशन को जो है आप अच्छे से जो है इनको फॉलो करेंगे आप, ताकि किसी ना ही तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। देखो अब जैसे कि फिलहाल जो आपका बैच है या आपका सभी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं आपका, एक तो सबसे पहली बात ये कि जब इसमें जो है आपकी क्लास चली, जैसे कि अभी आपकी क्लास चल रही है, तो इसमें आपके साइड में एक देखो माइक का ऑप्शन है। ठीक है, इसको अननेसेसरी जो है आप ऑन मत रखिए। अगर आप जो है आपको कुछ पूछना हो तो इसको आप ऑन कर लीजिए, फिर वापस से जो है फिर से इसको आप ऑफ कर लीजिए। ठीक है, जब आपका जो है क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि अगर जो है आप इसको अननेसेसरी ऑन रखेंगे तो उससे नॉइस आता है, भले आप कुछ ना बोल रहे हो, जो आपके आसपास में होते हैं, जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है उससे जो है इसमें नॉइस आता है। तो एक तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरा कि अगर देखो कोई भी जो स्टूडेंट है वो अलग ग्रुप बनाता है और उसमें किसी के साथ भी किसी गलत भाषा का यूज करता है, इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई अलग ग्रुप आप बनाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहे हैं या किसी कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, तो कंप्लीटली आपको जो हम ग्रुप है उससे रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी कहें आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी उसमें और आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस चीज को जो है बहुत अच्छे से जो है आप ध्यान रखें कि अगर मतलब कोई आप ग्रुप बनाते भी हैं तो उसमें जो है आप जो है थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखें। तीसरी बस बात इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे जो है इसमें आपको क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स जो है आपको जैसे 5 क्लास हुई तो
उस वो इकट्ठी मिलेगी, फिर आगे की जब 5 क्लास होगी वो इकट्ठी मिलेगी, फिर 5 होगी, 5 5 के पैकेट में जो आपको मिलेगी आपको क्लासेस सर रिकॉर्डिंग कैसी सर? रिवाइज करने के लिए, जैसे क्लास जो होगी ना ऑनलाइन क्लास होती है सर जी, उसको रिवाइज करने के लिए। जी जी सर ठीक है सर। इसमें अभी मेरे सर अभी भी मेरे साथ 1 मिनट अंकल जी को बोल दीजिए, बताइए सर। इसमें अभी मेरे साथ दिक्कत आ रही है कि मैं रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर रहा हूँ लेकिन साउंड नहीं आ रहा है इसमें। वो आएगा नहीं क्योंकि अभी आपने जूम चला रखा है ना, और जूम एक्सेस करता है आपके माइक को, तो जी माइक जी तो जूम ने जूम एक्सेस कर रहा है तो रिकॉर्डिंग में चलेगा ही नहीं वो। जी जी ठीक है तो आप ये बताओ। पीसी भी चलता है सर? उसके आप टेंशन मत लीजिए रिकॉर्डिंग की, वो हमारी तरफ से रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा लिखा हुआ रिकॉर्डिंग। जी जी आ रहा है सर। आप बताइए आईफोन जी क्या क्या देते हैं? iPhone 11 तो मैं गौतम गौतम सर मैं गौतम आपसे बात भी करता। बहुत बढ़िया है सर, आप क्लास भी बहुत बढ़िया लेते हो और आप रिकॉर्डिंग का वो सिस्टम वो बहुत बढ़िया है सर। जैसे कि अब आज क्लास ले लेगा 5 दिन में, उसके बाद में हम भूल जाते थे, वो वीडियो रहेगा तो हमको रिविजन करने में बहुत बढ़िया रहेगा सर। एक बार बिल्कुल, बहुत इस पसंद चीज आया को तो सर मेरे देखो को। मैं भी समझता हूँ आपको, लेकिन जिस सर्वर पे हम फिलहाल डालते हैं उस पे सिंगल सिंगल करके डालना पॉसिबल नहीं है। जब आपकी हाँ जैसे सर पांच हाँ सर पांच क्लास आपकी हो गई, फिर 5 का हाँ आपको जी लिंक सर मिल जाएगा, फिर आगे की जब 5 होगी तो फिर 5 का आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसे बहुत मिलेगा बढ़िया आपको। सर बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर थैंक यू हेलो सर। जी, बोलिए सतनाम जी। सर ये जो रिकॉर्डिंग होगा सर, ये लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेसिबल होगा या फिर देखो लाइफ टाइम ये के लिए? जितने दिन भी आपका बैच चलेगा, 40 45 डेज जितने भी दिन चलेगा, यहाँ से लेकर के इसके बाद 1 महीना एक्स्ट्रा, तब तक ये वैलिड रहेगी आपकी। ओके सर। उसमें आप कितनी भी बार देखे, 1 बार देखे, 10 बार देखे, 100 बार देखे, वो उसमें कितनी बार आप जो उसको देख सकते हो। ठीक है ठीक चलिए, अब देखो थोड़ा सा इसका सिलेबस समझते हैं भाई। वैसे देखो हम दो बैच अलग अलग निकालते थे जिसमें आपका बेसिक एडवांस हम कराते थे, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये है कि इसमें हमने दोनों मर्ज हैं फिलहाल, तो अलग से आपको बेसिक करने की जो है नीड नहीं है। थोड़ा सा देखो इसका हम सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस किस तरह का है। अच्छा एक वो भाई जर्मनी से थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, वो हैं फिलहाल क्लास में? अगर वो सुनने हो तो फिलहाल मुझे बताइएगा। टेक केयर जी, आप क्लास में है तो जवाब दीजिएगा। जी सर मैं हूँ सर। हाँ ये हैं हमारे टेक केयर जी, जो सबसे फिलहाल सीनियर स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है ना। फिलहाल टेक केयर जी जो है लगभग 1 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम भी करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने का रीजन टेक केयर जी, अब तक कोई इसकी कोई खास वजह? सर मैं बोला था ना सर, बहुत मिस करता हूँ सर क्लास छोड़ने, मतलब जब सब जी बंद हो रखा था मैं तो कल मैसेज में बोला था सर, क्योंकि इसका मतलब जैसे कि एक आदत सी पड़ गई है कि जी क्लास छूट गई मेरा, तो इस क्लास का अगर कुछ मिले ना मिले, कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिले ना मिले, फिर भी कुछ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है सर बिल्कुल टेक है जी, क्योंकि जो। देखिए टेक्नोलॉजी का तो ऐसा है कि ये तो हर दिन जो है चेंज हो रही है। पहले देखो जो पावर सीक्वेंस कराते थे हम, और अब की पावर सीक्वेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। बहुत चेंजेस आ गए हैं सर जी सर, बहुत पहले के चेंजेस आ फोनों गए हैं में क्या सर। होता था कि मतलब एक पावर के लिए कोई एक आई डीसी डीसी कन्वर्टर दे रखा है, और आपका पावर के लिए कोई एक आईसी दे रखी है। अभी के फोनों में आप देखोगे दो तो डीसी कन्वर्टर होंगे, दो पावर आईसी होंगे, तो बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है इसमें। कुछ ऐसे होंगे कि कुछ एलडीओस आपके डीसी डीसी कन्वर्टर में हैं, कुछ बक्स आपके उसमें पीएमआई में है, इस तरीके से जो है मतलब बहुत है इसमें। देखो ये इसका ना थोड़ा सा सिलेबस है आपका, इसमें आपके ये मान के चलिएगा लगभग 10 क्लास, तो 10 क्या 9 क्लास माने, क्योंकि जो आपका बक बूस्ट कन्वर्टर है ये तो एडवांस में आ जाता है, लगभग 9 क्लास तो जो है इसमें आपकी हैं बेसिक्स की हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ से ये क्लास 10 से एडवांस स्टार्ट हो जाता है आपका, जिसमें आपका बक बूस्ट कन्वर्टर है, डीएसओ है, फिर मास्टर कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, फिर आपका चार्जिंग वगैरह ये सब है। पावर की इसमें देखो क्लासेस जो हैं अभी आपको दिख रही होंगी, 4 क्लासेस दिख रही होंगी, 4 5, लेकिन एक्चुअल में अभी देखो जो रिसेंट हमने क्लिक कराई थी ना क्लास, मैं खुद ही आपको दिखाता हूँ। देखो अभी जो ने रिसेंटली जो है हमारा बैच फिलहाल हुआ है ऑफ, उसकी पड़ी होगी हमारे पास रिकॉर्डिंग।
सॉफ्टवेयर भी आप ही लेंगे ना सर इस बार? जी सॉफ्टवेयर में ही कराऊंगा, ये तो नेटवर्क की है इसमें भाई, और जी सर। पावर की देखो कितनी इसमें होंगे, पावर 5, ये पांचवी क्लास है पावर की, और ये तो पोको F1 है, पावर 7, 6 भी है, कहीं पड़ी होगी, कम से भी कम इसमें 10 क्लास हुई थी पावर की इस बार, ये तो नेटवर्क की है, तो कहने को तो वहां पे 3-4 क्लासेस ही हैं, लेकिन इसमें काफी कुछ है मतलब। वैसे तो चाहूँ तो देखो अगर मैं 3-4 क्लास में भी इसको कर सकता हूँ आपको प्रॉपर से बता के, लेकिन उसका फाइनल फिट नहीं है। और देखो दूसरी बात, जैसे भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बाद में मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में यही लिखोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है? फिर अगर मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि भाई ये बहुत एडवांस हो चुकी है अब चीजें। अब वो वाला टाइम गया आपका कि जब जो है आपकी सिंपल सर्किट होती थी, अब जब आप इस चीज को समझोगे, आप सारी चीजों को देखोगे, सारा क्रॉस वेरीफाई करोगे आप, तब सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, फिर जो है आप मेरे से पूछो, यहाँ पे चाहे एक बार पूछे आप 10 बार पूछे, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, बस आप में जो है सीखने की एक चाहत होनी चाहिए। तो चलिए भाई बातें बहुत हो गई है, अब थोड़ा सा जो है क्लास के बारे में करते हैं। अच्छा कितने ऐसे भाई हैं कि मतलब जो इसमें थोड़े फ्रेशर ही हैं या फिर पूरे फ्रेशर ही हैं, एक बार जी बताइएगा। ठीक विकास सिंह सर, है विकास जी, और रवि, जी रवि, और भाई और ऐसे कितने सर भाई मैं हैं? हसन, मैं सर आशीष, आशीष ठीक है, मैं हसन, हसन मैं भी फ्रेशर हूँ सर। फ्रेशर मतलब कि मैं एक दुकान में काम करता हूँ फिलहाल, तो ठीक है मैं समझ गया। खैर मतलब फ्रेशर मतलब यह है कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बस ये है कि हाँ अभी वो है कि मतलब अपग्रेड करना है अपने आप को। हाँ 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 ठीक है सर, एक बात तो ऐसा जो चेसर तो वो भी होते हैं, बहुत हाई लेवल का काम कर लेता है लेकिन बेसिक पता नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी होता है। वो उनको क्या होता है ना कि उन्होंने बस ये होता है कि उनको कि भाई ये प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट, जैसे होता है ना कि नेटवर्क ने डायरेक्ट WTR को पकड़ो, तो बस उन्हें जी इस तरह की सर, चीजें वो रटी हुई होती हैं, एक पूरे एक फिगर बनाई हुई होती है, ये नहीं है तो ये नहीं तो ये, उनको लगा के चल गया ठीक, नहीं तो वापिस दे दो, उनका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मोबाइल रिपेयरिंग की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है मोबाइल रिपेयरिंग, चाहे इसमें आपका आईफोन हो चाहे इसमें जो है आपका एंड्रॉयड हो, दोनों आपके वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जितने भी मतलब ये सर्किट्स हैं आपके, लैपटॉप हुआ, LCD हुई, LED हुई, आपका डेस्कटॉप हुआ, ये जो आपके काम है, जितने भी सारा ये आपका काम है, ये सब जो आपका काम होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से ही आपका होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और ये देखेगा ये दोनों जो चीज है आपके एक दूसरे से जुड़ी हुई है आपके, जुड़ी हुई से मतलब क्या है कि अगर आपका हार्डवेयर एकदम कंप्लीट है और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो भी आपका आगे नहीं बात बढ़ेगी, फोन ऑफ रहेगा आपका। यदि आपका सॉफ्टवेयर सही है, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बात नहीं बनेगी, फोन ऑफ ही रहेगा आपका। तो इन दोनों का सही होना जरूरी है, देखो बात ऐसी है। अभी थोड़ा सा जो है मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे देखो होता क्या है आपका कि मान के चलिए कि यहाँ पर जो है हमारा क्या है, एक एसी इक्विपमेंट है। एसी इक्विपमेंट से मतलब क्या कि कुछ भी समझ सकते हो इसको, आप LCD समझ लो, कुछ भी समझ लो, अब इतने बड़े मतलब कलाकार नहीं है भाई, तो जो है मतलब आप समझ लो ठीक है। तो इसमें इनपुट हो रहे हैं यहाँ से आपके 220 वोल्ट, और वो भी AC, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक आपकी रेक्टिफायर सर्किट लगी हुई होती है, आप देखते तो हो कि भाई LCD, LED, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब AC चलते हैं, नहीं ये भी आपके DC से ही चलते हैं। इनमें क्या होता है कि पहले जो है आपका AC वोल्टेज होगी, फिर रेक्टिफायर लगा होगा, और उसके बाद जो है ये वोल्टेज आपकी कन्वर्ट हो जाते हैं DC में, डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक है ना। और यही वोल्टेज फिर आगे जो है आपके सारे हर जगह जो है मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब देखो थोड़ा सा मैं जो है आपको इनके सिंबल्स के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर देखो कहीं पे आपका VBAT होता है लिखा हुआ, इसका मतलब होता है आपका बैटरी की वोल्टेज, कहीं पे अगर आपका VCH लिखा हुआ है आपका,
इसका मतलब होता है आपका चार्जिंग की वोल्टेज। कहीं पे आपका वीपीएच है लिखा हुआ, आपका वीपीएच, वीबैट, वीबैट सैमसंग में होता है भाई, ठीक है, या फिर आपका वीसीस, ये तीनों एक ही हैं आपके। अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपका सेकेंडरी सप्लाई ऑफ वीबैट। वोल्टेज होती है आपकी वीबैट की, बस फर्क क्या है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज होती है, सेकेंडरी सप्लाई होती है आपकी। देखो कहीं पे अगर आपको जो है इस तरह का सिंबल मिलता है, इस तरह का सिंबल, ये जो सिंबल होता है आपका, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, आर लिखा हुआ होगा, और ये रजिस्टर होता है, इसकी जो वैल्यू हम मापते हैं वो ओम में मापते हैं। जो आपका 1 किलो ओम होता है, ये आपका 1000 ओम के बराबर होता है। जब इनकी क्लास आएगी तो आपको पूरा पूरा लगेगा पता, अभी तो जस्ट एक बेसिक फंडामेंटल क्लास है आपके। और जो इसमें आपका 1 मेगा ओम होता है, ये इक्वल होता है आपका 1000 किलो ओम के। जो 1 मेगा ओम होता है वो आपका 1000 किलो ओम के बराबर होता है। देखिए कहीं पर अगर जो है आपको ऐसा सिंबल दिखता है, ये वाला इस तरह का सिंबल दिखता है, तो ये होता है आपका बैटरी का सिंबल। ये साइड होती है इसमें आपकी पॉजिटिव, और ये साइड होती है इसमें आपकी नेगेटिव, इसको हम वी बैट या फिर बैटरी का सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं। कहीं पर अगर आपको ये सिंबल दिखता है इस तरीके से, ये होता है आपका ग्राउंड, यानी कि कोई लाइन है उसको जो है ग्राउंड कर दिया गया है, ग्राउंड का सिंबल आपका। कहीं पे अगर आपको सी लिखा दिखाई देता है और उसके सामने आपका ऐसा एक सिंबल बना हुआ है, तो ये जो सिंबल होता है आपके कैपेसिटर का सिंबल होता है, कैपेसिटर, ठीक है ना। और इसको जो है सी से लिखा जाता है, इसकी जो हम वैल्यूज को मापते हैं फैराड में मापते हैं। इसकी अलग अलग जो है आपकी यूनिट होती है, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, इस तरीके से। कहीं पर अगर आपको ऐसे डी लिखा दिखाई देता है और उसके सामने कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो इसको जो है हम स्टैंडर्ड डायोड ही बोलते हैं, स्टैंडर्ड डायोड। या फिर इसको रेक्टिफायर डायोड भी हम बोलते हैं, ठीक है जी। कहीं पे अगर आपको जो है इस तरह का सिंबल मिलता है देखने को और उसके ऊपर एल लिखा हुआ है, तो ये जो सिंबल होता है आपका एक कोइल का सिंबल होता है, कोइल, या फिर इसको इंडक्टर भी हम बोलते हैं, इंडक्टर। हिंदी की बात करें तो प्रेरण, ये तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इंडक्टर सिंपली, ठीक है, इंडक्टर ध्यान रखो आप, या फिर कोइल, इंडक्टर भी कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलिए आप, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, वैसे तो देखो इसकी वैल्यू हम दो तरीके से मापते हैं, एक तो ओम में मापते हैं इसकी वैल्यू को हम, और एक मापते जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू मापी जाती है वो हेनरी में मापी जाती है आपकी, और ये मल्टीमीटर से आपकी जो है नहीं मापी जाती, ठीक है जी। इसके लिए आपका एक स्पेशल मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर ही होता है वैसे तो वो, ठीक है, तो उससे जो है मापे जाते हैं आपकी। अच्छा कहीं पे आपका जेड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है आपका जीनर डायोड। इसका सिंबल जो है आपको इस तरह का मिलता है आपका, कुछ इस तरीके का। इसकी जो वैल्यू मापते हैं ओम में ही मापते हैं, और ये यूनिट लेस होते हैं, इसकी मतलब कोई यूनिट नहीं होती। कहीं पे आपका टीवीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपका ट्रांजेंट वोल्टेज सप्रेसर। ये कुछ इसका सिंबल इस तरीके से होता है। कुछ लोग इसको पैकेट डायोड भी बोलते हैं, लेकिन असली नाम जो है इसका ट्रांजेंट वोल्टेज सप्रेसर ही होता है, यानी दो जीनर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैल्यू ओम में, वैसे तो इसकी ये कूल टेस्टिंग में तो कोई वैल्यू दिखाती ही नहीं है, ये हॉट में ही इसको चेक कर सकते हो आप, क्योंकि देखो इधर से भी रिवर्स है, इधर से भी रिवर्स है, तो इसमें कुछ वैल्यू दिखाती ही नहीं। अच्छा जी कहीं पे अगर जो है आपका टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका ट्रांजिस्टर, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके पिन होते हैं आपके एमिटर, बेस और आपका कलेक्टर।
इसकी जो वैल्यू है ओम में ही मापते हैं। कहीं पे अगर आपको एम लिखा दिखाई देता है, इसका मतलब होता है आपका मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सर गेट, ये इसका ड्रेन, और ये इसका सोर्स। इस तरह का सिंबल देखे तो ये मॉस्फेट होता है आपका, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये जो आपका काम में आता है, वैसे तो आपको आगे इन सब का पूरा डिटेल में लगेगा पता, ये स्विचिंग के काम में आता है आपका, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज रेगुलेटर के भी काम में आता है आपका, तो आगे इनके बारे में पूरा पूरा जो पढ़ाया जाएगा आपको। कहीं पे अगर जो है आपको एक्स लिखा दिखाई देता है या फिर एक्स टी ए एल लिखा दिखाई देता है, इसका मतलब होता है आपका क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। और कहीं पे आपको यू लिखा दिखाई देता है तो ये आपके आईसी के लिए यूज में किया लाया जाता है आपका। कहीं पे भी आपकी अगर जो है कोई आईसी लगी हुई होगी तो उसको जो है यू से ही दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आईसी है तो इसके ऊपर यू से इसको दर्शाया गया होगा और आगे जो है इस पे कुछ आगे लिखा हुआ होगा। ठीक है जी। और यूं तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं आपके, लेकिन जो मेजर मेजर से कंपोनेंट है वो ये है आपके। ठीक है। अब देखो क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे आपको बता करके चलूं। दो तरह की हम टेस्टिंग करते हैं अपने फोन में। सबसे पहले थोड़ा इसके वोल्टेज के बारे में बताना चाहूंगा आपको। देखो अगर जो आपकी वोल्टेज होती हैं, ये आपको पता है कि दो तरह की होती हैं। एक तो होती है एसी, तो इससे अपने कोई मतलब नहीं, ना ही अपने फील्ड में यूज होती। एक होती है आपकी डीसी वोल्टेज। ठीक है। इसको भी वी से लिखा जाता है और इसको भी वी से लिखा जाता है। अब फिर इनका पता कैसे चले कि भाई ये एसी कौन सी है डीसी कौन सी है, फर्क है। देखिए ये जो एसी वोल्टेज होती है इसके ऊपर जैसे वी है आपका, तो ऐसा एक सिंबल होगा बना हुआ, ये दर्शाता है इसकी वेव को, किसकी वेव किस तरह की है। और जो डीसी वोल्टेज होगी आपकी, इसके ऊपर ऐसा सिंबल होगा, ये दर्शाता है कि ये जो वोल्टेज है आपकी लीनियर। फिर उसके बाद करंट, करंट जिसको जो है हम एम्पियर में मापते हैं, ये भी दो तरह का होता है जी आपका। एक तो होता है इसमें आपका एसी, एसी करंट, और एक होता है इसमें आपका डीसी, डीसी करंट। तो अगर एसी होगा तो एसी के ऊपर ऐसा सिंबल रहेगा, डीसी होगा तो उसके ऊपर ऐसा सिंबल रहेगा। ठीक है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई वी और आई का मल्टीप्लाई जो है इसका पावर कहलाता है, जिसको हम वाट में निकालते हैं। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिए आप। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि देखिए जो आपकी 1 वोल्ट होती है ये इक्वल होती है आपके 1000 mV के, मिली वोल्ट के। और जो आपका 1 एम्पियर होता है आपका, ये 1000 mA के। अब देखिए जो डीसी सप्लाई होती है तो उसमें इस तरीके से आपको रीडिंग दिखती है। एक तो उसमें ऊपर की तरफ बॉक्स होगा और एक जो है उसमें आपका नीचे की तरफ जो है इसमें आपका बॉक्स होगा। एक पे तो लिखा हुआ होगा V, एक पे लिखा हुआ होगा आपका A। अब जो V है ये तो दर्शाता है आपके वोल्टेज को, जो A है ये दर्शाता है आपके करंट को। ठीक है। करंट आपका तब बढ़ता है जब कुछ लोड पड़ता है, वैसे आपका 0-0 ही रहेगा। तो डीसी सप्लाई में इस तरीके से दिया हुआ होता है 0, 4, 0, 0, 0। ठीक है जी। अब देखो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ये तो आती है आपकी एमवी में, मिली वोल्ट में, और जो पॉइंट से पहला है आपकी वैल्यू ये आती है पूरी की पूरी वोल्ट में। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। ऐसे करंट की बात है, इसमें होता है आपका 0.000, इस तरीके से होता है।
अब जब कुछ मतलब आप लोड डालोगे डीसी सप्लाई में तो ये आपका बढ़ने लग जाता है आपका अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट से पहले है आपका, ये तो पूरा पूरा एम्पियर होता है आपका। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है आपका इसके 0 की जगह, तो 2 एम्पियर हो गया। और जो इसके बाद है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाता है फिर आपका मिली एम्पियर, ठीक है जी। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आपका 0.010 और ये लिखा हुआ है इसमें आपका एम ए मिली एम्पियर, तो ये हो गया आपका सिर्फ 10 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी कि ये वाला तो हो जाता है मिली और ये हो जाता है आपका पूरा एम्पियर। तो डीसी सप्लाई में आपको ऐसे ही मिलेगा आपको देखने को। यही बात आपकी रेजिस्टेंस की भी आती है कि अगर देखिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आपका 1000 और यहाँ लिखा हुआ है आपका किलो ओम, ठीक है जी। तो जो 1 है ये तो पूरा किलो में है और जो इसके बाद का है इस ओम में है आपका। तो ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ आपका 2.314 किलो ओम, तो ये तो हो गया पूरा किलो ओम में और ये हो गया आपका, ये किलो में हो गया और ये सिर्फ आपका ओम में हो गया, ठीक है जी। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने जरूरी है।